हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक इटालियन डिश जिसका नाम है चिकन ब्रेड एंड वाइट पास्ता। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। चिकन एंड ब्रेड सॉस बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। ये 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। पास्ता मिक्स लगेगा आपको। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। ये 1 छोटा कप पास्ता सॉस है। 10 से 12 पॉड आपको लगेंगे गार्लिक के बारीक कटे हुए। सॉल्ट लगेगा एज पर टेस्ट। टमाटो प्यूरी है ये। 3 से 4 टमाटर आपको बॉईल करना है। उसका स्किन उतारने के बाद में आपको उसे पीस लेना है। और ये 250 ग्राम चिकन मिंस है, चिकन का कीमा। और इसके अलावा इसे बनाने के लिए आपको लगेगा 1 से 1.5 चम्मच तेल। तो आइए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम गार्लिक ऐड कर लेंगे। इसे गोल्डन होने तक सॉटे करेंगे। गार्लिक का कलर गोल्डन होने लगा है, इसमें हम अनियन ऐड कर लेंगे। इसे हल्का गोल्डन होने तक सॉटे करेंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो चुके हैं, इसमें हम जो हमारा रेड चिली पाउडर है वो ऐड कर लेंगे। इसे 20 से 30 सेकेंड सॉटे करने के बाद हम जो पास्ता सॉस था वो डाल देंगे। पास्ता सॉस को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सॉटे कर लिया है। तो ऑयल भी ये सरफेस पे आ चुका है। इस पॉइंट पे हम जो हमारी टमाटो प्यूरी थी वो ऐड कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हमारा पास्ता मिक्स और सॉल्ट एज पर टेस्ट। अच्छे से सॉटे कर लेंगे और इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये अच्छे से सॉटे हो चुका है, इसकी जो सारी रॉ स्मेल थी वो जा चुकी है। इस पॉइंट पे हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। सॉरी, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताना भूल गई थी। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा चिकन मिंस। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा बोल पानी का। इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कवर कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रखेंगे हम इसे, तब तक ये जो पूरा मिंस है वो रेडी हो जाएगा। आइए इसे कवर कर लेते हैं। जब तक हमारा चिकन मिंस रेडी हो रहा है तब तक हम पास्ता बॉईल कर लेते हैं। एक बर्तन में आप पानी ले लेंगे, उसमें आप सॉल्ट ऐड करेंगे। एज पर टेस्ट आप ऐड कर लीजिएगा। इसमें ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच ऑयल। ऑयल ऐड करने से आपका जो पास्ता है वो आपस में चिपकेगा नहीं। और इसे बॉईल आने देंगे। पानी में बॉईल आ चुका है, इसमें अब हमारा पास्ता हम ऐड कर लेंगे। ये मैंने अराउंड 200 ग्राम जितना पास्ता लिया है। हर पास्ता का कुकिंग टाइम डिफरेंट होता है। आप जो भी पैकेट यूज़ करें उसके पीछे उसका कुकिंग टाइम मेंशन होगा। मैं जो पास्ता यूज़ कर रही हूँ उसमें 8 से 10 मिनट मेंशन किया है। तो बॉईल आने के बाद मैं 8 से 10 मिनट तक इसे पकाऊंगी और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि पूरी तरह से गल जाए। पास्ता कुक हो चुका है, इसे आप स्ट्रेन कर लेंगे। जब आप इसे स्ट्रेन कर लें उसके बाद इसे एक बार ठंडे पानी से वॉश करिएगा। और एंड में थोड़ा सा ऑयल हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से हमारा जो पास्ता है वो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हम एक पैन में बटर ले लेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाता है उसमें हम 2 से 3 टीस्पून ऐड करेंगे मैदा, यानी ऑल पर्पस फ्लावर।
और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक भूनना है ताकि जो मैदे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से सॉटे करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क। मैं अराउंड 1 ग्लास जितना मिल्क ऐड कर रही हूँ इसमें। फ्लेम को हम लो पे ही रखेंगे और इसे पकाएंगे, और आप बीच बीच में चम्मच चलाते रहिएगा ताकि ये नीचे से लगे नहीं, ये धीरे धीरे थिक होने लगेगा। जैसे ही आप देखें कि आपका ये जो मिल्क है ये थिक होने लगा है, इसमें आप ग्रेटेड चीज़ ऐड कर दीजिए 50 ग्राम जितना। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मैं प्रोसेस चीज़ ऐड कर रही हूँ इसमें। इस पॉइंट पे आके आप ऐड करेंगे सॉल्ट। बहुत ही कम सॉल्ट ऐड करना है क्योंकि चीज़ सॉल्टी होता है। और अराउंड 1/4 टीस्पून पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर। ये देखिए काफ़ी थिक हो चुका है, हमें इससे ज़्यादा इसे थिक नहीं करना है। हमारा वाइट सॉस रेडी है। हमने जो हमारा चिकन जो रेड सॉस में बना कर रखा था, अब हम उसमें हमारा वाइट सॉस ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप दोबारा से अपना सॉल्ट चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो ऐड कर लीजिएगा। अब इसमें हम हमारा जो पास्ता है वो ऐड कर लेंगे। पास्ता ऐड करने के बाद हमें इसे पकाना नहीं है, सिर्फ इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल रेडी है। आइए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो रेडी है हमारा टैंगी क्रीमी चिकन ब्रेड एंड वाइट सॉस पास्ता। इसे ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।